हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजू मलिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम गर्मियों में किस तरीके से वैक्स कर सकते हैं। तो देखो, वैक्स करने से पहले अपन को पाउडर लगाना है जिससे जो पसीना है ना वो सूख जाए, और फिर डायरेक्शन को देख लो जिधर हमारे हेयर्स की जो डायरेक्शन है उधर ही अपन को वैक्स लगानी है। तो आप जैसे मैंने ये वैक्स लगा ली, तो आप इसको दो हिस्सों में बांट के लगा सकते हैं। मैंने एक में लगा लिया। तो देखो, इस तरीके से मैंने वैक्स लगाई है। स्ट्रिप्स लूंगी, स्ट्रिप्स को ध्यान से देख लेना किधर से सीधी किधर से उल्टी। देखो, जो चिकनी वाली होती है ना तो वो तो सीधी होती है, जो थोड़ी सी खुरदरी होती है ना वो उल्टी होती है। तो मैंने इसको लगाया, इसको दो हिस्सों में मैं निकालूंगी ना। तो इस तरीके से मैंने दबा के इसको निकाल दिया। तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप वैक्स करोगे ना तो आपके ज्यादा दर्द भी नहीं होगा और वैक्स भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। इस तरीके से मैं स्ट्रिप्स को दबाती जाऊंगी और ना वैक्स करती जाऊंगी। तो देखो, हमारे ना जो दो चार हेयर्स रह जाते हैं ना, तो उनको क्या करना है, पहले तो ऐसे ही निकालने की कोशिश करें। अगर ऐसे नहीं निकले ना तो आप थोड़ी सी वैक्स दोबारा से लगा लें। तो देखो, ये दो चार जो हमारे हेयर्स रह गए ना, उनको उन पर मैं क्या करूँ, दोबारा से वैक्स लगा लूंगी इस तरीके से। तो देखो, वैक्स लगाऊंगी, फिर स्ट्रिप्स उसी स्ट्रिप्स को लूंगी और अच्छे से दबाऊंगी उसको ना, अच्छे से दबाऊंगी तो सारे हमारे हेयर्स निकल आएंगे। तो है ना, जब हम गर्मी में वैक्स करते हैं ना तो अच्छे से पाउडर लगा के उस जहाँ पर अपन को वैक्स करनी है ना उसको अच्छी तरीके से सुखा लें, क्योंकि उसमें पसीना नहीं होना चाहिए। पसीना होगा तो हमारी वैक्स नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से देखो, मेरी सारी अच्छी तरीके से वैक्स हो गई। आप भी इस तरीके से घर पर वैक्स कर सकते हो। देखो, अब ये वाली जो अंडाम्स है ना, इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो मैं क्या करूंगी, एक बार मैं लूंगी, स्किन को टाइट करना है अपन को, और देखो स्किन को टाइट करने के बाद मैं वैक्स लगा दूंगी। ये वैक्स लगा दूंगी, देखो अच्छे से वैक्स लगाना है अपन को ना, और थोड़ी सी ना जैसे गर्मी हो ना तो उसमें थोड़ी मोटी लेयर लगानी है वैक्स की अपन को। अब मैंने वो स्ट्रिप्स ली, इसको दो हिस्सों में लिया और मैं इसको कर दूंगी। देखो, दो हिस्सों में करना है जिससे कि ज्यादा दर्द भी नहीं हो और हमारी वैक्स अच्छी से हो जाए। तो अच्छे से दबाना भी इसको। तो देखो, ये इस तरीके से लगाऊंगी और बाकी जो बची हुई है ना वैक्स, उसको भी निकाल लूंगी मैं। तो देखो, घर पर हम इस तरीके से वैक्स कर सकते हैं। घर पर हर कोई वैक्स कर सकता है, बस डायरेक्शन का हिसाब रखें और है ना अपन को पाउडर ना अच्छी तरीके से पाउडर लगा के उसको तैयार कर लें वैक्स करने के लिए ना। तो देखो, ये मैंने किया। आप घर पर भी इस तरीके से वैक्स कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मेरी देखो पूरी वैक्स हो गई है। वैक्स करने के बाद क्या करना है, अपन को पाउडर लगाना है। देखो, इस तरीके से सारे हेयर्स निकल गए, एक दो बार में सारे हेयर्स निकल गए हमारे ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये मैंने पाउडर लगा के